तो ये एक बहुत हमें खुशी है कि देश के सभी भागों से फिल्मकार, अभिनेता, अभिनेत्री, गायक, संगीतकार सभी लोगों को समय समय पे दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है। आज इस साल का ये दादा साहब फाल्के अवार्ड महान नायक रजनीकांत को घोषित करते हुए हमें बड़ी खुशी है। इंडिया एवरी ईयर गिव्स दादा साहब फाल्के अवार्ड फॉर ए फिल्म पर्सनैलिटी। दिस ईयर दिस सिलेक्शन इज मेड बाय ज्यूरीज। दिस ईयर्स ज्यूरी कंसिस्टेड ऑफ आशा भोसले, मोहनलाल, विश्वजीत चटर्जी, शंकर महादेवन एंड सुभाष घई। और पांचों ज्यूरीज ने बैठक करके एक राय से महान नायक रजनीकांत को दादा साहब फाल्के अवार्ड देने की सिफारिश की और इसलिए उनके नाम का ये पुरस्कार घोषित हो रहा है। रजनीकांत 50 साल से सूरज के तरह सिने सृष्टि में चमक रहे, अपनी प्रतिभा, लगन और मेहनत से उन्होंने ये स्थान लोगों के दिल में जमा लिया है। ये उनका सही गौरव है। दादा साहब फाल्के अवार्ड इसलिए महत्वपूर्ण है कि दादा साहब फाल्के ने पहला भारतीय सिनेमा 1913 में 108 साल पहले राजा हरिश्चंद्र बनाया था। तो उस राजा हरिश्चंद्र सिनेमा के बाद ये पहले चित्रपट महर्षि कहलाने लगे और दादा साहब फाल्के के मृत्यु के पश्चात ये अवार्ड उनके नाम से रखा गया और आज तक 50 बार ये अवार्ड दिया गया है, 50 साल दिया गया है। इस साल ये 51वां साल है और रजनीकांत के चयन पर निश्चित मुझे देश भर में खुशी आएगी, ये मुझे पक्का विश्वास है। सो वी आर हैप्पी टू अनाउंस रजनीकांत नेम एज सजेस्टेड बाय ज्यूरीज फॉर दादा साहेब फाल्के अवार्ड बिकॉज दादा साहेब फाल्के वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। 108 ईयर्स अगो ही क्रिएटेड फर्स्ट इंडियन फिल्म टाइटल्ड राजा हरिश्चंद्र एंड सिंस देन देर इज ऑलवेज ग्रोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ऑफ इंडियन सिनेमा। नाउ इंडियन सिनेमा हैज मेड इम्प्रेशंस थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड इट विल बिकम वर्ल्ड सिनेमा। इट हैज ऑलरेडी बिकम वर्ल्ड सिनेमा एंड इंडियन सिनेमाज फैंस आर स्प्रेड ओवर ऑल द ग्लोब एंड इट विल कंटिन्यूसली इंक्रीज। सो ये सब फिल्म दुनिया के लिए और सबके लिए ये खुशी की खबर है।